मॉर्निंग का चाय वाय सब पी के थोड़ा सा घर को समेटना, और उसके बाद मेरा बाकी सारे काम करने का टाइम होता है। तो मैं मेरा डेली ब्लॉग थोड़ा आज लेट से ही स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद अमृता। तो आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट करूँगी कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग में नथिंग स्पेशल, एवरीडे वर्क वही आपसे शेयर करूँगी। अगर किसी ने मेरा लास्ट वाला वीडियो का एंड वाला पोर्शन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें कुछ अच्छी बात मैंने बोला है और सबके लिए वो सुन के अच्छा ही लगेगा। तो इसीलिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट में जाके कमेंट छोड़ना और लाइक कर देना। तो चलते हैं आज का जो डेली रूटीन है उसके ओर। एक्चुअली सुबह स्टार्ट हो गया बहुत पहले, चाय वाय पी लिया, सब कुछ कर लिया। अभी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉगिंग करने का, कैमरा के सामने आके आप सबसे बात करने का अभी टाइम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों देरी करना। तो चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं सबके साथ। तो फिर अभी मेरा डेली रूटीन का काफ़ी हिस्सा हो चुका है। थोड़ा सा घर का काम करूँगी, किचन में जाऊँगी, और फिर मेरा गार्डन में काम होता है, उसमें क्या क्या उसमें थोड़ा काम करना है और कुछ नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है। घर का साफ सफाई सभी घर में हो रहा है, बंगाली जो उसको सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, तो उस इसके लिए सभी घर में तैयारी हो रहा है। मेरे घर में भी हो रहा है, हम लोग घर को भी अच्छे से सजाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो आने वाले सारे ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए सबको दिल से मेनी थैंक्स। तो अभी बेडरूम जो है, बेडरूम साढ़े तीन बेडरूम है मेरे घर में, सबका आज मैं बेडशीट बारी बारी चेंज करती रहती हूँ। हफ्ते में एक दिन ज़रूर चेंज करना है, किसी को अगर लगता है कि ज़्यादा चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बेडशीट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेडशीट मेरे मैं आज मैं डाल रही हूँ, ये बहुत ही मतलब ये कम एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और ये बहुत पॉपुलर भी है बहुत जगह, मतलब अभी ये ऑनलाइन भी में भी अवेलेबल है और देखने भी बहुत सुंदर है, तो मुझे बहुत 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 पसंद है। कुछ भी रंग नहीं निकला इसमें से, तो डरने की भी कोई बात नहीं, कोई भी ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बेडशीट ले सकते हैं, बिल्कुल कॉटन का है। तो मेरे पास मेरे तीन बेड के लिए अलग अलग साइज़ का ये मेरे पास है, और मेरा ना बेडशीट मतलब मैं चेंज करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इनका कलेक्शन भी है मेरा। तो मुझे अभी कल वाले जो कर्टन्स मैंने धो दिए थे वो सारे अभी सूख गए हैं, और वो सबको मैं अभी उसको थोड़ा सा आयरन कर लूँगी और फिर खिड़की में उसको लगा दूँगी। और कुछ नहीं, ये लगाने का काम जो है मेरा हस्बैंड करते हैं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल आता है, मैं कर नहीं पाती हूँ इसीलिए। बाकी जो पहले वाला मतलब धोना और सुखाना, आयरनिंग करना, वो सब मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो दोनों मिलके ही आधा आधा काम करते हैं ऐसे करके, क्योंकि हर घर में ऐसा काम सब मिलके करोगे तो किसी के लिए दिक्कत नहीं है, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा मैं कर रही हूँ, वो कोई काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और काम हमेशा सोच के इसको ऐसे साइंटिफिक वे में करो तो फिर और भी अच्छा होता है। आज मेरा बड़ा बेटा जो है उसका छुट्टी है, तो वो भी मेरा काफ़ी हाथ बटाता है, मैं मतलब बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, तो वो जिस दिन छुट्टी होता है, टाइम होता है, वो भी वो थोड़ा सा वो बाहर का काम मुझे कर देता है, या फिर घर घर में भी कुछ कुछ ज़रूरी होता है गार्डनिंग में, तो उसको बुलाती हूँ मैं, वो आके मुझे बहुत हाथ बटा देता है। तो अभी आज वो है घर में, तो मेरा जितना क्रिसेंथेमम का कटिंग वो सब रूटिंग हो चुका है। और अभी धूप में, आज धूप निकला है ना बहुत दिन बाद, तो मैं इसको तो सारे जो पॉट्स है इसको थोड़ा सा धूप खिलाने के लिए ऊपर रख दिया, और थोड़ा वाटरिंग भी कर दिया है, और सरसों का जो खली है वो भी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए, क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम नज़दीक है।
कलकत्ता में एक्चुअली वेदर थोड़ा अलग है, तो पहाड़ी में या फिर ठंड जगह में ये शायद ही इसका फ्लावरिंग हो भी चुका होगा, मगर अभी इसमें नवंबर अक्टूबर नवंबर से इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें एक आर्टिफिशियल केमिकल जो मैन्योर्स होता है मैं नहीं डालती हूँ, जस्ट सरसों की खली और कुछ नहीं। तो अभी ये सब गार्डनिंग का काम करके मैं नहा लूँगी और मेरा छोटा बेटा जो है वो भी स्कूल से आने वाला है, वो भी आ जाएगा, तो हम साथ बैठ के लंच कर लेंगे। आज मेरा व्लॉगिंग मैं लेट से स्टार्ट किया, क्योंकि हर रोज़ मेरा व्लॉगिंग शुरू होता है मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, तो अब आज मैं थोड़ा सा दोपहर से उसको लेके जाऊँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल खाना है, रात के लिए कुछ अलग बनाने की कोशिश में हूँ, उसमें मैं फ्राइड राइस और चिकन एक बनाऊंगी, रेसिपी बहुत सिंपल सी है और कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। ये भी कल का ही अपडेट है, मेरे जो हेल्पर है वो लेके आई थी उसके ये मनी प्लांट का जो एक छोटा सा टैनी लेके, मैं उसको बहुत दिन से बोल रही थी कि लेके आना, आसपास में बहुत घर में है रास्ते में, मतलब ये अच्छा दिखता है ना, देखो इसका पत्ता जो है, तो क्योंकि अगर हम नर्सरी में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए इंडोर प्लांट का तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का होता है मगर पैसा लगता है ना, तो ये मेरे हेल्पर जो है वो मुझे बहुत मतलब बहुत है सपोर्ट हेल्प, जो भी आप बोलोगे वो करती है, मैं जो बोलती हूँ वो कोशिश करती है, दो तीन दिन बोलने के बाद वो लेके आई ये काट के, थोड़ा सा छोटा सा इसको मैं छोटा छोटा करके काटूंगी और घर के लिए, मेरे पास तो है छत पे भी और एक है, उसका भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये हम घर में रख सकते हैं कार्टून करके ना, इसको दे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप खाली डिब्बा ले लो कांच का या फिर कुछ भी जो कंटेनर आपके पास है, साफ करके पानी डाल के आधा बॉटल पानी डाल के उसको इसमें डाल देना, रूटिंग हो जाएगा और अच्छा दिखता है, इसका जो लीव्स है ना कितना सुंदर है देखो, तो मैंने इसको लेके आई थी। आज बहुत 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 ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, तो झटपट करने की कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, आपके साथ मेरा अपडेट भी शेयर कर रही हूँ, और इसको रखने के लिए एक पॉट को भी कलरिंग करना है फिर इसको पानी डाल के इसमें रखना है, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय। तो रात के खाने के लिए मैंने वो चिकन बनाऊंगी, चिकन का जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत झटपट बनने वाली है, कोई स्पेशल नाम या कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। चिकन को जस्ट मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको ऑयल मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, और कैप्सिकम ओनियन और जो टमाटर है थोड़ा सा बड़ा साइज का मैं काट के रखी हूँ, नमक डाल दिया है, इसको एक्चुअली चिकन को मैरिनेट करके रखी थी पहले, थोड़ा नमक डाल के और हल्दी डाल के और कुछ नहीं इसमें डाला था, और अभी सब्ज़ी को डाल दूंगी और पकने के लिए कुछ टाइम छोड़ दूंगी। चिकन बहुत जल्दी बनके के सॉफ्ट बन जाता है, और नेक्स्ट मैंने मसाला जो डाला है अदरक प्याज लहसुन और गरम मसाला थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके इसको पेस्ट करके रखी थी उसको डाल के, और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, मेरा चिकन बन के तैयार। सुबह के लिए चना भिगो के रख रही हूँ ताकि ये होल नाइट भीग के ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, और रात का फ्राइड राइस के लिए गाजर और कुछ है नहीं अभी, काजू और गाजर ही है, तो चावल मैं बना लूँगी और उसके ये सब जो है गाजर और काजू सब थोड़ा घी या फिर वाइट चावल में फ्राई करके मिक्स कर दूंगी, नमक और चीनी डाल दूंगी, बस हो जाएगा मेरा फ्राइड राइस। तो चिकन और फ्राइड राइस आज का स्पेशल मेनू है, क्योंकि मेरा जो बेटा है छोटा बेटा वो उसका मार्क्स निकल रहा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, तो वो अच्छा मतलब उसको लग रहा है मम्मी को कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, वो अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसके डिमांड के हिसाब से आज मैंने ये बनाया है, और झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ आइटम नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई के लिए सब बाकी काम के लिए टाइम निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और मॉर्निंग के लिए टिफ़िन जो लंच बॉक्स पैक करना है उसके लिए आलू पराठा आलू मैंने बॉईल करके रखा था, और मैदा ये सब एक साथ गूंद के रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी मॉर्निंग के लिए, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल दिया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी डिनर टाइम ऑलमोस्ट आ गया है,
तो मैं फ्राइड राइस कैसे बनाया वो भी थोड़ा सा आप झलक देख सकते हो इस वीडियो में। मैंने मेरा प्लेट रेडी हो चुका है, डिनर का प्लेट, उसमें फ्राइड राइस है। ये देखो, ये जो काजू डाल के बनाया, किशमिश डाल सकते हो, कुछ और वेजिटेबल्स है वो भी डाल सकते हो, और ये है चिकन करी। तो मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और मेरा जो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था वो दोपहर के बाद से मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि हर रोज़ मैं जो करती हूँ मॉर्निंग से आफ्टरनून तक मेरे वीडियो में आप देखते हो। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग करने के लिए, तो आफ्टरनून के बाद से मैं इवनिंग होके, रात होके, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक लेके जाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या करती हूँ। और अभी किचन में हूँ और किचन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। रात का डिनर के लिए कुछ बनाना है स्पेशल, और दोपहर मैंने बनाया था चिकन करी, वो तो आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और मॉर्निंग में कुछ नहीं, वैसे ही टिफिन के लिए आलू पराठा बनाना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि झटपट बन जाए। कुछ तैयारी करके रखी हूँ, फ्रिज में डाल दिया है वो जो मैंने मैदा को, आलू को रेडी करके रख दिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा किचन को साफ करके रखना है रात को, बस मेरा ज़्यादा काम नहीं रहता है। अभी बेटे को पढ़ाना है, छोटा जो है वो छोटा है, क्लास 7 में है, तो उसको भी पढ़ाई की जरूर कराना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं किचन का जो पार्ट है ख़त्म करती हूँ, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्लॉग के, और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए फिर से मेरे सारे 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 दोस्तों को मेरी मेरी थैंक्स। प्लीज़ मुझे कमेंट सेंड करना कि मेरा ब्लॉग आप कैसे, आपको कैसा लगा। तो अभी क्या है, मॉर्निंग के लिए जो जो मैंने रेडी करके रखा था फ्रिज में वो मैं निकाल लिया। मॉर्निंग हो चुका है, ब्रेकफास्ट मैं लंच बॉक्स पैक करना है, तो झटपट पराठा बनाना है, आलू पराठा, उसके साथ जस्ट सॉस डाल दूँगी। चना जो मैं भिगो के रखी थी वो लंच के लिए, आज का लंच के लिए। तो मेरा ब्लॉग ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रहा है, ख़त्म होने वाला है, और मेरा किचन आप देख सकते हो, ये लंच बॉक्स अभी पैक हो रहा है दोनों बेटे के लिए, तो और हम लोग दोनों के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। जब काम ख़त्म तो उसके बाद चाय और ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट, फिर हम आज का दिन का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।